हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका और आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का 2017 ईयर ऑफ इलेक्शन इन नेपाल। तो देखिए, अभी आपको पता ही है, हाल ही में नेपाल में 2015 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया है उसके बाद ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे, इसलिए ये साल नेपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। और इंडिया के लिए आप देखिए, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का क्या है, जो हमारा जीएस का पेपर टू है पॉलिटी का सेक्शन का, वहाँ पे कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज़ करके एक सब टॉपिक है, उसमें ये टॉपिक हमारा कवर होता है। और उसके बाद बायलेटरल इश्यूज़ की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब नेपाल को लेके कैसे चेंज होगी या इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नेपाल के इलेक्शंस का, वो हम डिस्कस करेंगे। इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। और इस लेक्चर के नोट्स या पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड हो जाता है, और उसके बाद मेरी फेसबुक आईडी पे भी मैं डाउनलोड लिंक डाल देती हूँ, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, ये है हमारा चैनल स्टडी आईक्यू। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी है, बैंक एग्ज़ाम है, या यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं, तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और रिसेंटली एसएससी 2018 सीजीएल की टेस्ट सीरीज़ भी हमने शुरू करी है। अगर आप इनमें से कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या हमारे वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि नेपाल में इलेक्शंस हुए हैं, तो अब ये न्यूज़ में क्यों है? अब देखिए, देयर आर टू कम्युनिस्ट पार्टीज़ इन नेपाल, और ये जो दो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं इनका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, UML, दैट इज़ यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, एक ये पार्टी है। दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, जिसके आगे हम MO लिखते हैं, यानी मॉइस्ट सेंटर। तो ये दो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं जो अभी जो हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं उनमें जीत के सामने आई हैं। और ये जो कॉलिशन, जो नया लेफ्ट अलायंस है, कॉलिशन है, कहीं ना कहीं इसका झुकाव इनकी हरकतों की वजह से लग रहा है कि ये चाइना की तरफ इनका इंक्लिनेशन जो है वो ज़्यादा है। तो यही चीज़ इंडिया के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकती है, क्योंकि नेपाल के साथ हमारे हमेशा जो बायलेटरल रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं, और एक तरफ से इंडिया का डोमिनेशन रहा है नेपाल को लेकर। सो उनका चाइना की तरफ ज़्यादा झुकाव जो है वो इंडिया के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। अब आगे देखिए, इसकी जो टाइमलाइन है, इसके इलेक्शंस को डिस्कस करने से पहले जो इसकी टाइमलाइन मैंने 2008 के आगे की बनाई है, लेकिन इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने एक रफ सी इस स्लाइड में ऐड किया है। दो इस टॉपिक से इतना रिलेटेड नहीं है, बट इस टॉपिक को समझने के लिए ये आपको काम आ सकता है। और अगर आप डिटेल में हमारे इंटरनेशनल इशूज़ जानना चाहते हैं, तो जो हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज़ हैं उनमें ये अच्छे से एक्सप्लेन किए, तो मैं आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी के रूप में इसका जो 2008 से पहले का जो बैकग्राउंड है वो बताऊंगी। तो देखिए, नेपाल, आप देखिए, एक राजा थे पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने नेपाल को यूनाइट किया और नेपाल एक सिंगल कंट्री के रूप में उभर के सामने आया। फिर 1850s में राणाज, जो प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, उनको राणाज कहा जाता था, और ये एक हेरिडिटेरी सिस्टम था। हेरिडिटेरी यानी जो राजा है या जो प्राइम मिनिस्टर है, आगे उसका बेटा ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फिर उसका बेटा, तो दैट इज़ हेरिडिटेरी सिस्टम, ये राणाज का था। और उसी टाइम पे देखिए, नेपाली कांग्रेस भी उभर के सामने आ रही थी। जब ब्रिटिशर्स यहाँ से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से चले गए, तो जो राणाज थे वो बहुत ज़्यादा अत्याचार जो है नेपाल के लोगों पे करने लग गए। और उसके बाद ये जो नेपाली कांग्रेस थी, इन्होंने राणाज के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इन्होंने प्रोटेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी गाइडेंस में ये जो प्रोटेस्ट है राणाज के खिलाफ करना शुरू किया। फिर आगे देखिए, 1951 में जो नेपाल के राजा बने वो थे त्रिभुवन। ये एक बहुत ही अच्छे राजा जो है नेपाल के माने जाते हैं, और
ऐसा माना जाता है कि ये चाहते थे कि नेपाल में डेमोक्रेसी आए और मल्टी पार्टी सिस्टम आए, लेकिन हाउसोवेवर ऐसा नहीं हो पाया इनके टाइम पे। इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा महेंद्र वहाँ का राजा बना, और जो महेंद्र था वो जब पावर में आया ही वॉज एंटी इंडिया, वो इंडिया के थोड़े खिलाफ था, जो उसकी पॉलिसीज थी वो इंडिया के खिलाफ थी और वो एंटी डेमोक्रेटिक भी था, क्योंकि त्रिभुवन के बारे में बताया ही वॉज प्रो डेमोक्रेसी, वो चाहते थे कि नेपाल में डेमोक्रेसी आए, लेकिन उनका बेटा एंटी इंडिया और एंटी डेमोक्रेटिक था। तो इसलिए इसके आने के बाद जो मल्टी पार्टी सिस्टम जो भी त्रिभुवन ने शुरू किया था, इसने उसको पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया। लेकिन हाँ, एक काम इन्होंने किया महेंद्र ने, पंचायत सिस्टम जो है वो शुरू किया नेपाल में, लेकिन इनका रूल बहुत ही ज़्यादा ऑटोक्रेटिक था। महेंद्र की डेथ हुई 1972 में, और 1972 के बाद उनका बेटा जो था बीरेंद्र, ये राजा बन के आया। बीरेंद्र के रूल में बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नेपाल में हुई। देखिए, सबसे पहले बीरेंद्र के राजा बनने के बाद एक पॉपुलर अनरेस्ट था वो नेपाल में शुरू हो गया, लोग प्रोटेस्ट करने शुरू हो गए, और जो दो सबसे बड़ी पार्टीज़ थी उस टाइम पे, नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML, दैट इज़ इसका नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी, ये भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। ये सब डिमांड कर रहे थे कि राजतंत्र से गणतंत्र की तरफ इसको नेपाल को लाना चाहते थे, डेमोक्रेसी एक रिपब्लिक बनाना चाहते थे। लेकिन काफ़ी नेगोसिएशंस के बाद जो राजा था बीरेंद्र, वो फाइनली वो मान गए और नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बीरेंद्र के जब ये राजा थे तब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो नेपाल है वो बन गई। और फिर 1991 में फर्स्ट जो इलेक्शंस हैं नेपाल में वो हुए, जिसमें नेपाली कांग्रेस जीत गई और जीपी कोरियाला थे वो पीएम बन गए। लेकिन अब देखिए, जो नेपाल के इलेक्शन इस बार इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि इससे पहले जो भी गवर्नमेंट पीएम या किसी भी तरह की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है नेपाल में, वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल रही है, कभी किसी गवर्नमेंट को सक्सेस नेपाल में नहीं बनी। तो इसी तरह से 1991 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद जब पहले इलेक्शंस हुए और जिसमें नेपाली कांग्रेस जीत गई और कोरियाला, जो जीपी कोरियाला थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल गवर्नमेंट थी और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। और इसी वक्त इसी समय के आसपास बीरेंद्र के रूल में ही 1996 में जो मॉइस्ट मूवमेंट थी वो नेपाल में शुरू हो गई। मॉइस्ट मूवमेंट यानी माओवादी जो थे वो सीन में आ गए। ये जो माओवादी लोग थे, ये जो माओवादी संगठन थे, ये डेमोक्रेसी पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। ये एक रेवोल्यूशन से एक गवर्नमेंट लाना चाहते थे थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल, शस्त्र उठा के। ओके, सो दे वांटेड टू क्रिएट अ रिपब्लिक, ये एक सेक्युलर रिपब्लिक क्रिएट करना चाहते थे और मोनार्की जो थी उसको टोटली एंड करना चाहते थे। और ये जो माओवादी संगठन थे, इनको विलेज यानी गाँव के लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। तो माओवादी जब सीन में आ गए और काफ़ी प्रोटेस्ट और लोगों को मारना शुरू किया, लेकिन फिर भी जो विलेजर्स थे इनकी सपोर्ट करते थे। बट इनकी हरकतों की वजह से नेपाल का जो टूरिज्म है और इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई। अब देखिए, माओइस्ट भी बीरेंद्र के रूल में ही सामने आए, और उसके बाद देखिए पैलेस शूट आउट, फिर एक पैलेस शूट आउट हुआ नेपाल में। जो बीरेंद्र था, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें वो शराब पिए हुए थे और AK-47 लेके उन्होंने पूरी फैमिली को मार दिया, और उसके बाद लास्ट में खुद को भी गोली मार दी। ऑफिशियल स्टोरी सामने ये आती है कि जो बीरेंद्र थे वो एक राणा फैमिली की लड़की से शादी करना चाहते थे, जिसके लिए उनकी फैमिली रेडी नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूरी फैमिली को मार दिया। और बीरेंद्र की इस हरकत के बाद ज्ञानेंद्र, यहाँ पे ये नाम लिखा है इनका, ज्ञानेंद्र जो थे उन्होंने पूरी जो पावर है वो कैप्चर कर ली। और इनसाइड स्टोरी, जो ये राणा फैमिली की लड़की से शादी करना चाहते थे, एक ऑफिशियल स्टोरी सामने आई थी, लेकिन एक इनसाइड स्टोरी भी ऐसी सामने आती है कि ज्ञानेंद्र ने ये शूट आउट करवाया था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि फैमिली के सब लोग मर गए और ज्ञानेंद्र जो थे वो सेफ थे, इनकी बीवी और दो बच्चे भी शूट आउट में उसी रूम में थे जहाँ पे ज्ञानेंद्र ने गोलियाँ चलाई थी, लेकिन उसकी फैमिली, वाइफ और बच्चे भी बच गए। और इनके रूल से बाद में जिस तरह का ऑटोक्रेटिक रूल ज्ञानेंद्र ने शुरू किया, उनकी हरकतों पे काफ़ी शक भी किया जा रहा था।
उसके बाद देखिए ज्ञानेंद्र जब राजा बन गए फिर फाइनली नेपाल में क्या हुआ, जो पॉपुलेशन की सपोर्ट थी वो कैसे बंट गई, देखिए तीन ग्रुप्स बन गए, किंग, पॉलिटिकल पार्टीज और मॉइस्ट माओवादी, यानी 20% लोग थे जो राजा के साथ थे, 40% लोग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ थे और 40% लोग माओवादी जो संगठन थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। फाइनली जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी ये सारी साथ में आ गई, इन्होंने एक अलायंस बना दिया और उस अलायंस का नाम था SPA, दैट इज सेवन पार्टी अलायंस। ओके फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए 40% सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास थी, 40% सपोर्ट माओवादियों के पास थी, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज और जो मॉइस्ट ये थे इनके बीच में एक सीज फायर यानी युद्ध विराम जो है वो उस पर ये लोग आके रुक गए। इन्होंने माओवादियों का कहा कि आप लोग हथियार डाल दो और कुछ नेगोसिएशंस करके इनको पॉलिटिकल पार्टी यानी मेन स्ट्रीम में लाने की बात की कि आप लोग हथियार डालो और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करो। फाइनली इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हुए और एक सीज फायर साइन हुआ 2005 में। इस माओवादियों के साथ जब ये सीज फायर साइन हुआ उसके बाद 2006 में एक इंट्रिम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सामने आया और जिसमें नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता था और इस इंट्रिम कॉन्स्टिट्यूशन में नेपाल एक सेक्युलर स्टेट के रूप में सामने आया। ओके सो ये एक बैकग्राउंड है पहले का। अब हम 2008 पे पहुँचते हैं, 2006 तक की बात हमने करी जब इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और एक सीज फायर था मॉइस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में वो साइन हो गया। अब देखिए 2008 से आगे की टाइमलाइन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2008 में एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी और इस असेंबली बनने के बाद ये प्रूव हो गया कि 239 ईयर्स पुराना जो मनार्की है अब फाइनली जो नेपाल है वो राजतंत्र से गणतंत्र की तरफ मूव कर चुका था। और 2008 में जो असेंबली है उसने राम बरन यादव को नेपाल का फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। अब इसके बाद देखिए 2008 में एक फॉर्मर रिबेल कमांडर थे पुष्पा कमल दहल, जिनको प्रचंडा के नाम से ये ज़्यादा फेमस हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और यही वो लीडर हैं जो मॉइस्ट सिविल वॉर नेपाल में चल रही थी यही उसके लीडर थे और फाइनली इनको वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है 2008 में बनाया गया। अब देखिए नेक्स्ट 2009 में क्या होता है कि जो प्रचंडा जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था वो रिज़ाइन कर देते हैं। रिज़ाइन क्यों करते हैं, बिकॉज आर्मी चीफ से उनकी नहीं बन रही। आर्मी चीफ से क्यों नहीं बन रही, देखिए जब मैंने आपको बताया कि 2005 में पॉलिटिकल पार्टीज और माओवादी जो मॉइस्ट लीडर्स हैं उनके बीच में एक सीज फायर साइन हुआ और उस अग्रीमेंट का एक पार्ट था बिकॉज ये जो मॉइस्ट थे ये लोग आर्म्ड स्ट्रगल पे बिलीव करते थे और पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको कहा था कि आपको हथियार छोड़ने होंगे और मेन पॉलिटिकल पार्टी का जो स्ट्रीम है उसको ज्वाइन करना होगा। और उस टाइम ये अग्रीमेंट हुआ था कि मॉइस्ट के पास 18,000 सोल्जर्स थे और उन्होंने कहा था कि आप उनको नेपाल की आर्मी में इंक्लूड करोगे। जब ये फाइनली प्रचंडा प्राइम मिनिस्टर बन गए और उन्होंने आर्मी चीफ को कहा कि आप इन 18,000 सोल्जर्स को आर्मी में डालो। अब देखिए जो नेपाल की आर्मी है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल मानी जाती है, तो नेपाल के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा इन 18,000 जो आपके माओवादी लोग हैं ये इतने ट्रेंड और प्रोफेशनल नहीं हैं, हम इनको आर्मी में नहीं ले सकते। इसी बात पे इनकी प्रचंडा से बहुत बहस हो गई और आर्मी चीफ को इंडिया की बैक थी, इंडिया भी आर्मी चीफ को ही सपोर्ट कर रहा था, तो इसी के चलते जो प्रचंडा है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इसलिए व्हाट आई एम टेलिंग यू कि नेपाल में जब भी कोई गवर्नमेंट आई है वो कभी स्टेबल नहीं रही। और प्रचंडा के स्टेप डाउन करने के बाद वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर बने उन माधव नेपाल को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन बाद में किसी कारणवश माधव ने भी रिज़ाइन कर दिया और फिर नेपाली कांग्रेस से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी वो बनी रही और फिर उसके बाद देखिए एक और मॉइस्ट लीडर थे उनका नाम था बाबू राम भट्टराय। ओके ये कंपैरेटिवली
प्रो इंडियन थे क्योंकि इनका एजुकेशन भी JNU से हुआ था और इन्होंने ये जो मॉइस्ट कैडर इशू था इसको फाइनली सेटल किया। इन्होंने सेटल कैसे किया कि इन्होंने अलग से एक पैरामिलिट्री जो था उसको क्रिएट किया, 18,000 में से 3,000 जो मॉइस्ट सोल्जर्स थे उनको आर्मी में इंक्लूड किया और जो बाकी सब थे उनको पैरामिलिट्री में इंक्लूड किया और उनको इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई जैसे बिल्डिंग रोड्स में या प्लांटिंग ट्रीज़, इस तरह के काम दिए गए। तो इस तरह से ये मॉइस्ट वाला इशू भी इन्होंने सेटल किया बाबूराम भट्टाराय ने, और इस तरह से ये जो सिविल वॉर थी मॉइस्ट की ये टोटली सिविल वॉर को एक एंड मिला, ये ख़त्म हो गई। अब देखिए 2010 में, देखिए इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 2008 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उन्होंने कहा कि 2 साल में वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, लेकिन 2010 आ गया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल में नहीं बनाया गया। फिर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि हमें 2 साल का एक्सटेंशन और दो, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। फाइनली 2 साल का एक्सटेंशन और मिला, 2012 आया, लेकिन फिर भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सामने आया। फिर 2012 में ये असेंबली डिसॉल्व कर दी गई बिकॉज जिस पर्पज़ से इसको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए वैसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर 2013 में देखिए एक सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और उसको कहा गया ये जो अधूरा काम है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का ये असेंबली पूरा करेगी। लेकिन उसी बीच देखिए क्या हुआ, 2015 में एक बहुत ही भयंकर भूकंप जो है वो हमने देखा नेपाल में आया, जिसमें ऑलमोस्ट 9,000 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत तरह से डेवलपमेंट के तौर पे जो नेपाल है उसका बहुत नुकसान हुआ। इसी के चलते सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलके सामने आई कि अब बहुत हुआ, हम फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ही नेपाल का जो प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन वर्क है वो शुरू हो पाएगा। तो फाइनली देखिए 2015 में एक न्यू चार्टर, आप एक कह लीजिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के सामने आया, जिससे नेपाल एक सेक्युलर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। अब पहले ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसलिए कभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ड्राफ्ट कर पाई क्योंकि जो कंसेंसस है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में नहीं बन रहा था, लेकिन फाइनली सब पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बार मान गई। लेकिन एक ग्रुप था जिसको अभी भी प्रॉब्लम थी, वो था मदेशी। मदेशीस इशू नेपाल का सबसे बड़ा इशू है इस टाइम पे। अब देखिए इसको अलग से मैं डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, और अगर आप मदेशी इशू के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी स्टडी IQ पे ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है बाय सुमंत सर, आप उसको मदेशी इशू वहाँ से देख सकते हैं। देखिए मदेशीस की जो भी डिमांड थी वो पूरी नहीं हो रही थी इस कॉन्स्टिट्यूशन में। इस कॉन्स्टिट्यूशन में मदेशीस के लिए ये एक डिस्क्रिमिनेटरी कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि मदेशी देखिए वो लोग हैं नेपाल में जिनका ओरिजिन इंडिया से हुआ है, और इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया था कि वही लोगों को, उन्हीं लोगों को नेपाल का सिटीजनशिप मिलेगा जो फ्रॉम डिसेंट नेपाल से हैं, जिनके पेरेंट्स नेपालीज हैं, और जो नेपाल का सिटीज़न होगा वही नेपाल के जो बड़ी बड़ी पोस्ट्स हैं CM, PM या चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल, इस तरह की बड़ी पोस्ट पे एक सिटीज़न ही आ पाएगा। और मदेशीस को प्रॉपर सिटीजनशिप जो है वो नहीं मिल रही थी इस नहीं मिल रही है इनफैक्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और यही है मदेशी इशू। और भी इन लोगों की बहुत सारी डिमांड हैं जो ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरी नहीं कर रहा, तो मदेशी इशू के बारे में आप उस वीडियो के से जान सकते हैं। अब देखिए मदेशीस ने काफ़ी प्रोटेस्ट करना शुरू हुआ, काफ़ी लोग भी उस प्रोटेस्ट में मारे गए, और जो मदेशीज़ एक्टिविस्ट हैं इन्होंने ट्रेड, बिकॉज देखिए इस तरह से अगर नेपाल है ये हिल रीजन है, ये प्लेन रीजन है, प्लेन रीजन में आपके मदेशीज़, यहाँ पे सारे मदेशी लोग पाए जाते हैं, तो इन्होंने यहाँ से ब्लॉक कर दिया रास्ता। हिल जो हिल का कोई भी रास्ता है वो मदेशीज़ वाले एरिया से होके ही जाता है, तो फाइनली इन्होंने एक ब्लॉकेट जो है वो नेपाल के हिल रीजन्स में कर दिया एज अ प्रोटेस्ट, और काफ़ी फ्यूल मेडिसिंस और खाने की जो कमी है वो नेपाल के हिल रीजन्स में देखी गई ड्यू टू मदेशीज़ प्रोटेस्ट। फाइनली 2017 में अब जो फर्स्ट इलेक्शंस हैं इनके हुए, कुछ महीने पहले लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए 20 साल के बाद, और अब हमने देखा नवंबर और दिसंबर के महीने में
इनके प्रोविंशियल और पार्लियामेंट्री जो इलेक्शंस हैं नेपाल में वो हुए, और जिसमें ये मॉइस्ट रिबल्स की जो पार्टी है मॉइस्ट सेंटर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मॉइस्ट सेंटर एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल, ये जीते हैं और सून जल्द ही ये अपनी गवर्नमेंट यहाँ पे बना लेंगे। अब देखिए जो रीसेंट इलेक्शंस हुए हैं वो क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इलेक्शंस दो फेसेस में हुए, प्रोविंशियल एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो हैं। फर्स्ट फेज 26 नवंबर और जो सेकंड फेज था वो अभी 7 दिसंबर को पूरा हुआ। अब 15.4 मिलियन जो पॉपुलेशन थी वो एलिजिबल वोटर्स की थी, उसमें से 7.7 मिलियन मेल थे और 7.6 मिलियन फीमेल एलिजिबल वोटर्स थे। अब देखिए वोटर्स जो हैं, अब इनका लोअर हाउस एंड अपर हाउस का सिस्टम है लाइक इंडिया। इनके लोअर हाउस में 275 सीट्स हैं, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 275 सीट्स रहेंगी, और ये एक मिक्स्ड सिस्टम से यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे। अब मिक्स्ड सिस्टम से मेरा क्या मतलब है, देखिए इंडिया के सिनेरियो में हमारे यहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है जो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लेती है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी अगर 100 लोग हैं, 100 लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे वोट करना है हमारे देश में, तो अगर तीन पार्टीज़ हैं, एक पार्टी 50% वोट लेती है, एक पार्टी रेस्ट ऑफ द 25 वोट लेती है, तो जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो इंडिया में जीत जाएगा। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। लेकिन यहाँ पे एक मिक्स्ड सिस्टम को चूज़ किया गया, यानी 275 में से जो 165 सीट्स हैं वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से वो लोग चुने जाएंगे, और 110 जो सीट्स हैं वहाँ पे इलेक्शन पीआर यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा, यानी वो 110 लोग पीआर सिस्टम से चुने जाएंगे। इनके अपर हाउस को नेशनल असेंबली बोलते हैं, और नेशनल असेंबली में 59 सीट्स हैं जहाँ पे 56 सीट्स इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्शन होंगे, और तीन लोग जो हैं उनको प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे, इनके प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो वोटिंग का सिस्टम है, वहाँ पे दो बैलेट पेपर दिए जाएंगे ड्यूरिंग वोटिंग, एक प्रोविंशियल, क्योंकि साइमल्टेनियसली यहाँ पे इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं। अब इसके बाद जो नेपाल है एक मल्टी पार्टी फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन के सामने आया है, और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है फाइनली वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और जो नेशनल असेंबली है उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करेंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का जो टर्म है वो 5 years का है, और जो यहाँ का परमानेंट हाउस है यानी नेशनल असेंबली उसका टर्म 6 years का है। ओके, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो यहाँ का प्रेसिडेंट यहाँ के सेरेमोनियल हेड रहेंगे इंडिया की तरह, और उनका जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का उनको चूज़ करेंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दैट इज़ लोअर हाउस, नेशनल असेंबली दैट इज़ अपर हाउस एंड प्रोविंशियल असेंबली। फाइन, और अब यहाँ की जब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है और गवर्नमेंट बनने वाली है, हाँ ऐसा वी होप कि जो मधेशी इशू है वो सॉल्व होगा। अब और ख़ास बात देखिए इनके इलेक्शंस की कि 1/3 ऑफ सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं विमेन के लिए। इंडिया में भी रिजर्व्ड हैं बट एट लोकल बॉडी इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शंस या म्यूनसिपल इलेक्शंस में, लेकिन यहाँ पे जो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है यानी लोकल बॉडी इलेक्शन, प्रोविंशियल इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, हर जगह पे 1/3 रिजर्वेशन जो है वो विमेन को दी गई है। तो फाइनली मल्टी पार्टी है, फेडरल डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेपाल में आ चुकी है। और देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम बोल रही हूँ तो यहाँ की मेन पार्टीज़ आप देख सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मॉइस्ट लेनिनिस्ट जिसका मैं नाम अभी ले रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, मॉइस्ट सेंटर, इन्हीं दोनों पार्टीज़ के बीच में जो लेफ्ट अलायंस इन्हीं को बोला जा रहा है। उसके बाद मेजर पार्टी थी नेपाली कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, इस तरह से बाकी सब के नाम भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए फाइनली जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि ये फर्स्ट टू जो पार्टीज़ हैं ये लेफ्ट अलायंस यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टीज़
जीत के सामने आई हैं और विद इन द मिडल ऑफ जनवरी ये लोग गवर्नमेंट बना लेंगे. अब देखिए जिस कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी बात हो रही है, 2015 में इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया. इससे पहले 2006 का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन की नेपाल की क्या खास बात है, क्या इसके फीचर्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे. हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कहीं ना कहीं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको कंपेयर करेंगे. तो पहले मैं आपको इसी के फीचर्स बताती हूँ. देखिए नेपाल पहले एक हिंदू राष्ट्र था लेकिन अब ये एक सेक्युलर कंट्री बन चुका है. देखिए हर देश में सेक्युलर होने का मतलब अलग है, तो इसी तरह से नेपाल का सेक्युलर होना कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कॉनोटेशन में जाता है. देखिए इंडियन सेक्युलर, इंडिया इज आल्सो अ सेक्युलर कंट्री, लेकिन इंडिया में सेक्युलर का क्या मतलब है, दैट वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, हम सब रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं और इंडिया में स्टेट एंड रिलीजन को अलग नहीं किया गया है बल्कि स्टेट के साथ रिलेट किया गया है रिलीजन को. लेकिन नेपाल में स्टेट एंड रिलीजन को टोटली अलग किया गया है, जैसे जो फ्रेंच आइडिया है जो सेक्युलरिज्म का उसको अडॉप्ट किया गया है. इंडियन आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म इज़ डिफरेंट एंड फ्रेंच आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट बिकॉज इंडिया में रिलीजन एंड स्टेट वर्क टुगेदर, बट इन फ्रांस एंड द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो नेपाल ने अडॉप्ट किया वहाँ पर स्टेट एंड रिलीजन आर सेपरेटेड. ओके एंड फाइनली इट इज़ अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. 7 फेडरल प्रोविंसेस जो हैं यहाँ पे बनाए गए हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पावर्स दी गई हैं, प्रेजिडेंट सेरिमोनियल हेड है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, प्रेस को फ्रीडम दिया गया है. उसके बाद मैं आपको बता चुकी हूँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, पीरियोडिक इलेक्शंस होते रहेंगे. 5 ईयर्स का टर्म है लोअर हाउस का और 6 ईयर्स का टर्म है अपर हाउस का, और जो अपर हाउस है उसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल के बाद रोटेशनल बेसिस पे रिटायर होते रहेंगे. विमेन रिजर्वेशन आप देख सकते हैं 1/3 एट ऑल. देखिए इंपॉर्टेंट बात विमेन रिजर्वेशन की ये है कि तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी लोकल बॉडी, प्रोविंशियल एंड पार्लियामेंट्री, तीनों जगह पे वुमेन को रिजर्वेशन 1/3 रिजर्वेशन जो है वो दी गई है. और फाइनली इसके बाद जो नेपाल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक कंट्री बन चुका है. यहाँ पे बाइकैमरल है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये आप देख चुके हैं. इसका लोअर हाउस है और अपर हाउस है, दैट इज़ नेशनल असेंबली. उसके बाद मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम है इंडिया में. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अप्लाई होता है हमारे इलेक्शंस में, लोअर हाउस के इलेक्शंस में, लेकिन इनके लोअर हाउस के इलेक्शन में मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम है, यानी आधी सीट्स फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से और आधी सीट्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से सिलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्शंस होते हैं. अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे ये फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे राइट्स ऑफ जेंडर और सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है. उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत एक्सप्लिसिटली, बहुत ही क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वुमेन शिल हैव इक्वल एंसेस्ट्रल राइट. एंसेस्ट्रल राइट्स जो हैं वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई है और वुमेन को इक्वल राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं. कन्वर्जन्स जो हैं एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन की वो बैन करी गई हैं यहाँ पे. और उसके बाद जो डेथ पेनल्टी थी वैसे नेपाल ने वो एबॉलिश कर दी थी 1992 में, एज अ कैपिटल पनिशमेंट उसको नहीं रखा गया था और उसी चीज को यहां पे कंटिन्यू किया गया है. अब देखिए कुछ खास बातें और कि इनके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू फूड, ये राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. तो आप यहां पे 2 नई चीजें देख सकते हैं, राइट टू फूड एंड राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ये 2 नए फंडामेंटल राइट्स इन्होंने ऐड किए हैं. उसके बाद इट इन अ मूव लोडेड विद मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन में राइट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी एक राइट में इंक्लूड करी गई है. तो आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में इन्होंने किन किन चीज़ों का अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है.
तो देखिए, इनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का हमारा मेन मकसद ये था कि इंडिया के साथ जब हम इसको कंपेयर करें, अब मैं आपको इनके फीचर्स अच्छे से बता चुकी हूँ, तो अब आप इनको कंपेयर कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैनर ऑफ इलेक्शन इंडिया में क्या है, नेपाल में क्या है। वुमेन रिजर्वेशन पे आप एक पॉइंट लिख सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वेदर स्टेट एंड रिलीजन का क्या कनेक्शन है, सेपरेटेड है या इंक्लूडेड है, वहाँ पे भी ये डिफर करता है। रैटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी, यहाँ पे 2/3 मेंबर्स जब एक रैटिफाई करेंगे तभी कोई ट्रीटी रैटिफाई होगी इनकी पार्लियामेंट में। इंडिया में क्या सीन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और उसके बाद सिमिलैरिटीज इन फंडामेंटल राइट्स, क्या डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज हैं इंडिया के फंडामेंटल राइट्स और नेपाल में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट्स हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं नेपाल के कंटेक्स्ट में, और इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या है ये आप बताइएगा। मैनर ऑफ इलेक्शन भी मैंने आपको बता दिया, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी पीछे फीचर्स को डिस्कस करते हुए ऑलमोस्ट सभी डिस्कस किया, आप एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कीजिएगा कंपैरिजन वाला पार्ट। सो अब हम देखते हैं कि इन इलेक्शंस का और इस गवर्नमेंट का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, बिकॉज जो भी नई गवर्नमेंट आती है उसी को देख के हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसी तरीके से शिफ्ट होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब जो अलायंस लेफ्ट अलायंस वहाँ पे आया है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई है, कहीं ना कहीं उसका झुकाव हमें चाइना की तरफ दिख रहा है, जो इंडिया के लिए थोड़ी चिंता की बात है। अब देखिए, नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, एक तरफ से दो बड़ी पावर्स नेपाल को सैंडविच करके बैठी हैं, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ चाइना। आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स नेपाल में रही हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने एक न्यूट्रल स्टैंड रखा है चाइना और इंडिया को लेकर। और जो काठमांडू है वहाँ पे न्यू दिल्ली एक डोमिनेंट प्लेयर रहा है ट्रेडिंग पार्टनर में, ट्रेडिंग को लेकर एक ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में जो न्यू दिल्ली है उसका डोमिनेंस रहा है नेपाल में। लेकिन ये सब तभी रहा है जब नेपाल में प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब ये गवर्नमेंट आ रही है, जब हमें ये लग रहा है वो चाइना की तरफ उनका झुकाव है, तो क्या इम्पैक्ट इंडिया पे होगा। सबसे पहले तो देखिए, नेपाल ने श्रीलंका की तरह ही बहुत ही जल्दी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का उसको ज्वाइन कर लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो चाइना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नेपाल में डेवलप करने के लिए बात कर रहा है, और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा है नेपाल में। उसके बाद केपी ओली जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं और प्रॉबेबली यही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वहाँ के, वो बॉर्डर जो है उनका वहाँ पे घूम के आए, चाइना के बॉर्डर को उन्होंने विजिट किया नेपाल एंड चाइना के बॉर्डर पे, और उन्होंने कहा कि उसको अपग्रेड किया जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। तो इसी तरह हम कह सकते हैं रीसेंट ईयर्स में नेपाल का और इंडिया का सबसे लो, जो कहते हैं सबसे लो वक्त चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? दैट वी विल डिस्कस। बीजिंग कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हेजिमोनी बनाने के लिए, इसलिए भी वो नेपाल का यूज़ कर रहा है। अब देखिए, ब्लॉकेड 2015 में का जो ब्लॉकेड था मदेशीज इशू को लेकर, नेपाल गवर्नमेंट उसके लिए इंडिया को जिम्मेवार मानती है, और केपी ओली भी उस टाइम पे सबसे बड़े क्रिटिक जो न्यू दिल्ली की पॉलिसी थी नेपाल की तरफ उसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज उन्होंने किया था। अब देखिए, फर्स्ट एवर विजिट चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर थे जनरल चांग, और पहली बार वो नेपाल आए, और उसके बाद जॉइंट मिलिट्री एक्साइजेज हमने देखी नेपाल और चाइना के बीच में। उसके बाद दो मेजर हाइडल प्रोजेक्ट, एक था वेस्ट सेती और एक था बूढ़ी गंडाकी, ये दो हाइडल प्रोजेक्ट्स इन्होंने चाइनीज़ कंपनी को दिए। हाउएवर जो दूसरा वाला था बाद में उसको किसी रीजंस की वजह से कैंसिल कर दिया। उसके बाद देखिए, चाइना जो है वो रेल लिंक्स नेपाल और चाइना के बीच में उनको एक्सप्लोर कर रहा है, एक नया रोड लिंक है उसको खोलने की बात की जा रही है, उस रोड का नाम है समथिंग लाइक रसू वाघड़ी, ओके। और एक ऑलरेडी हाईवे है अरानिको, यहाँ पे आई विल राइट द स्पेलिंग, इनकी प्रोनंसिएशन थोड़ी अजीब सी है, अरानोकी मे बी,
ओके आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस कीजिए, अरानोकी हाईवे है, इसको भी चाइना और नेपाल एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं. और कहीं ना कहीं चाइना और नेपाल के बीच में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, चाइना नेपाल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देगा, ये बातचीत भी चल रही है. तो आज तक हमेशा ट्रेड के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नेपाल काफ़ी हद तक इंडिया पर डिपेंडेंट था, लेकिन अब वो चाइना कार्ड जो है वो प्ले कर रहा है. आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स नेपाल में आई हैं उन्होंने चाइना कार्ड हमेशा इंडिया के साथ खेलने की कोशिश की है. लाइक कभी कोई भी डिमांड इंडिया के सामने रखी होगी और इंडिया नहीं मानेगा तो बोलेंगे कोई ना आप नहीं मान रहे तो हम चाइना के पास चले जाएंगे, फिर इंडिया बोलेगा नहीं 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 हम आपकी बात मान रहे हैं. तो इस तरह का चाइना कार्ड उन्होंने हमेशा ही इंडिया के साथ खेला है. तो इसलिए इंडिया को भी अपनी पॉलिसीज थोड़ी क्लियर करने की ज़रूरत है जब हमें पता है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पर आ रही है जिनका झुकाव थोड़ा ज़्यादा चाइना की तरफ है. अब ये बात थी इम्पैक्ट ऑन इंडिया की. अब देखिए इंडिया ने इस इलेक्शन से, इस गवर्नमेंट से क्या लेसन्स लेने चाहिए, किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी मोल्ड करनी चाहिए. पहले हमारे देश के लिए कि इनके इलेक्शंस कितने अच्छे से हुए, 300 इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स थे जिसमें देखा गया टोटल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नेपाल में हुए हैं, तो ये बहुत ही कमेंडेबल बात है. उसके बाद देखिए हमारे देश में भी कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात की जा रही है स्टेट्स एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को लेके, तो यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल इलेक्शंस हुए हैं. इसको भी हमें स्टडी, इस प्रोसेस को भी स्टडी करना चाहिए. उसके बाद देखिए पार्शियल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लोअर हाउस के इलेक्शंस में लाया गया है और ये भी बहुत सक्सेसफुल रहा है. मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम, इसको भी हमें स्टडी करना चाहिए. ये बातें इंडिया के लेसन्स की. उसके बाद फॉरेन पॉलिसी, इंडिया को किस तरह का रवैया अब रखना चाहिए नेपाल की तरफ, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. अब देखिए आपसे भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब हमने सब डिस्कस कर लिया, ये भी पता है कि इम्पैक्ट इंडिया पे क्या है, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं बीजिंग नेपाल कहीं ना कहीं बीजिंग की तरफ अपना ज़्यादा झुकाव दिखा रहा है, तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो अब किस तरह का होना चाहिए नेपाल की तरफ, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखिए, ये आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा. अब देखिए इंडिया को, जहाँ तक मुझे लगता है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, कि इंडिया जो है हमेशा पहले नेपाल कोई भी डिमांड करता है उसको पहले रिफ्यूज़ करता है और बाद में इन्वेस्ट करता है. तो कहीं ना कहीं इंडिया को ये आदत छोड़नी पड़ेगी और एक्सपैंड करना पड़ेगा फर्स्ट डिलीवरी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब नेपाल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लेके चल रहा है कि जो पहले आके इन्वेस्ट करेगा हम उसको करने देंगे. तो इंडिया को पहले अपनी डिलीवरी जो है वहाँ पर पहुँचानी होगी और डिलेज और लो क्वालिटी जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा. जो हमारी गुजराल डॉक्ट्राइन है इंडिया को उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है. गुजराल डॉक्ट्राइन यही कहती थी कि जो हमारे स्मॉल नेबर्स हैं उनको नॉन रेसिप्रोकल और यूनिलैटरल तरीके से उनको उनकी हेल्प करें और एंड में कुछ एक्सपेक्ट ना करें, उनकी बातें मान लें, छोटे मोटी चीज़ों में उनको उतने गिफ्ट्स जो हैं हमारी तरफ से देते रहें. और उसके बाद इंडिया को ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, एक रिलैक्स्ड रिव्यू लेके रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में जो ज्योग्राफी है या इंटर पॉलिटिक्स है वो जो हमारे नेबर है उसको वापस घर ही लेके आएगी. ओके सो इन सब पॉलिटिकल और डिप्लोमेसी के बाद हमारे पास कुछ सॉफ्ट वेपन्स हैं. जैसे हमारी हिस्ट्री और नेपाल की हिस्ट्री काफ़ी मिलती जुलती है, तो हमें रिसर्च को, एक कंबाइंड रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए, ये सॉफ्ट वेपन्स में हमारे पास आता है. और उसके बाद क्रिकेट, जैसे क्रिकेट फीवर इंडिया में बहुत रहता है, नेपाल में की क्रिकेट टीम भी अब बहुत उभर के सामने आ रही है, तो अंडर 19 में भी रिसेंटली नेपाल टीम ने इंडियन अंडर 19 टीम को हराया है, तो उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए. सॉफ्ट और कॉर्डियल तरीके से भी हम उन लोगों का विश्वास जीत सकते हैं, क्योंकि 2015 ब्लॉकेड के बाद वहाँ पर बहुत ही एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स जो हैं वो देखने को मिले हैं. अब ऐसा नहीं है, बहुत ही स्पेशल रिलेशंस भी हमारे नेपाल के साथ रहे हैं. अगर आप देखो ओपन बॉर्डर है, नेपालीज इंडिया में रह रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इंडियन आर्मी में भी नेपालीज को लिया जाता है, तो बहुत स्पेशल रिलेशंस भी हैं, उसको हमें मेंटेन करके रखना चाहिए. और रादर देन स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी, सॉफ्ट वेपन्स से अगर कुछ हो सकता है तो उस तरह की फॉरेन पॉलिसी जो है हमें अडॉप्ट करनी चाहिए. तो इसी तरीके से आपको क्या लगता है, इंडिया का क्या रवैया और फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए नेपाल को लेके, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए. और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं जो स्टार्टिंग में मैंने अपने ईमेल एंड फेसबुक एड्रेस दिए, आप उसमें पूछ सकते हैं. थैंक यू.